अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस इंस्ट्रक्टर का स्वागत है। आज 2 नवंबर शाहरुख खान का बर्थडे है और शाहरुख खान का बर्थडे उनके फैंस काफ़ी धूमधाम से और काफ़ी ही एक प्रेस्टिजियस तरीके से मनाते हैं। तो यहाँ पे भिवंडी के अंदर भी उनके काफ़ी फैंस है, ऐसे तो पूरी दुनिया में उनके सारे फैंस हैं लेकिन भिवंडी में भी उनके काफ़ी फैंस हैं और उनके फैंस ने यहाँ पे उनके बर्थडे के लिए एक अलग से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो हम वही देखते हैं कि क्या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और किस तरह का वो बर्थडे मना रहे हैं। इनके क्लब का नाम है SRK यूनिवर्स भिवंडी, तो उसकी जानिब से यहाँ पे ये लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम उनसे ही बात करेंगे कि ये क्या किस तरह का प्रोग्राम है और क्या शाहरुख खान के बर्थडे पे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम सद्दाम खान है। तो यहाँ पे किस तरह का मतलब आप लोगों ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया? सर, ये SRK यूनिवर्स मुंबई की तरफ से हम लोग को सर कुछ गिफ्ट मिला था कि गरीबों के लिए कुछ बांटा जाए, कुछ करा जाए। तो रौनक भाई ने, जो भिवंडी के एडमिन है हमारे यूनिवर्स के, SRK यूनिवर्स के, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा कि ऐसे ऐसे कुछ बांटना है। तो सर, जो कोविड सीज़न है सर, तो यहाँ पे रेड लाइट एरिया में भी बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत तकलीफ है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रेड लाइट एरिया में भी ये प्रोग्राम किया जाए। हाँ, तो उस तरीके से सर हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा। तो कुछ सैनिटाइजर्स है और मास्क है और कुछ खाने के मील से वो हम गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो अभी आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये किसकी तरफ से, मतलब ये शाहरुख खान साहब ने भेजा है अपनी तरफ से या कि ये आप लोग फैंस लोग अपनी जो खुद की तरफ से कर रहे हैं? सर, ये फैंस की तरफ से है सर, हमारी तरफ से छोटा सा एक तीन का वर्ग सर गिफ्ट है SRK सर के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँ कि हम अपने आइडल से इंस्पायर होकर ये सब काम कर रहे हैं सर, और इसके लिए हम लोग मतलब सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी यहाँ भी बांटे के बारे में स्लम्स एरिया में भी जाके वहाँ भी हम हमारा सामान सब बांटेंगे सबको, जिसको रिंडी पसंद है हम सबको बांटेंगे। और स्पेशल थिंक में SRK यूनिवर्स का क्या हुआ, उन्होंने हमें काबिल समझा, उसके लिए यश भाई का, टीनू भैया का, मनन भाई का और मोहम्मद सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। अच्छा, एक आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि ये कितने सालों से ये ग्रुप है आप लोगों का? ये ग्रुप सर हमारा ऐसे तो वैसे नॉर्मली 5 ईयर्स से चल ही रहा है और ये ईयर भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अंकित, बोलो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो सर, मैं द वॉइस ऑफ भिवंडी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाल कर आज ये इवेंट को कवर किया और आज हमारे किंग खान ऑफ बॉलीवुड, सो आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन और हमारे फैन क्लब की तरफ से, SRK यूनिवर्स फैन क्लब की तरफ से, रेड लाइट एरिया ऑफ भिवंडी हमने इधर सैनिटाइज़र, मास्क एंड मील जो गरीबों के लिए प्रोवाइड किया। हर कोई इस एरिया में आके ये इवेंट को कवर नहीं करता, आपने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया और हम लोग आगे भी इसी तरह डॉक्टर मैडम स्वाति खान के साथ और भी ये एक्टिविटी को फॉरवर्ड में लेंगे और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे जिससे गरीबों का भी मदद हो। और हम ईश्वर को मांगते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि किंग खान का और भी इस तरह जन्मदिन आते रहे और उनकी उम्र लंबी रहे। अच्छा, अभी आप लोग, ठीक है ये तो हो गया, अभी आप लोग सब शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो उनका फ़ैन क्यों है तो वो भी तो होना चाहिए कि आप लोग सब उसकी उनकी पिक्चरें देखते हो क्या? सर बेशक सर, उनकी हर मूवी देखते हैं सर, फैंस ज़रूरी नहीं है सर के? नहीं, रुको ना, मैं उसके आगे भी आ रहा हूँ ना। हाँ, मेरा पूछने का कुछ मकसद है, तो अगर उनकी सब पिक्चर देखते हो तो कोई एक उनका अच्छा सा डायलॉग भी बोल दो। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सर, हम लोग स्पेशल, हमारा पूरा ग्रुप स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेगा डॉक्टर स्वाति दीदी को कि उन्होंने हमारे लिए भी वक्त निकाला और आपको भी हम थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। और सर, इंशाल्लाह अगर ऐसी रहा तो कुछ और भी प्रोग्राम करेंगे तो सर आपको हमेशा बुलाएंगे सर। अच्छा, तो ये एक डायलॉग हो गया, कुछ डायलॉग बोलेगा? हाँ सर, एक डायलॉग मुझे याद आता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो शाहरुख खान साहब के तरफ से एक इतने बड़े भिवंडी शहर में एक छोटा सा प्रोग्राम लेकिन गरीबों के लिए, बहुत अच्छा लगा। हमने भी ज्वाइन किया, हमारे साथ हमारे मित्र लोग, हमारे फैन के ग्रुप वाले, स्पेशल थैंक्स टू रौनक जिन्होंने ये पूरा भिवंडी के लिए प्लान किया। सो वी आर वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। रौनक,
तू कोई शाहरुख खान का एक डायलॉग बोल दे, ये भी बहुत बड़ा फैन है ना। शाहरुख खान का डायलॉग गाने ही बोल रहे हैं शाहरुख खान का। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया ही बदमाश हो गई। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। कोई गाना बोलेगा शाहरुख खान की पिक्चर का? वापस बोल। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ये और मोहब्बत की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ती। इस पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। ये बेचारा लॉकडाउन की वजह से ना इसका एक तरफा रह गया प्यार, मेरे को तो यही लग रहा है।